हाँ तो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? मस्त वाला कट रहा है ना? तो यार आज अपन बात करेंगे टॉप 7 फ्री टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में। हाँ मतलब एकदम फ्री टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो भाई अगर तुम्हारे चुल मच रखी है टाइपिंग सीखने की, तो ये सारे सॉफ्टवेयर तुम्हारी जिंदगी में काफी ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अपनी जिंदगी की खुशी के लिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख के जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें सारे ही सॉफ्टवेयर के दर्शन भी करवाऊंगा और साथ साथ उनके फायदे और नुकसान के बारे में भी बात करूंगा। हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है उनके प्रोज और कॉन्स से। सो इनकेस अगर तुम सुन रहे हो इस भयानक आवाज को पहली बार, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मेरा नाम विक्की और तुम लोग आ गए हो यार मैडविक्स चैनल पर। तो चलो यार जल्दी से शुरू करते हैं आज का बकचोद ज्ञान से भरा वीडियो। और हाँ भाई, इस वीडियो के लिए मैंने लाइक टारगेट रखा है 800 लाइक का, तो भाई की इज्जत रखते हुए यार टारगेट जरूर पूरा करवा देना। चलो अब निकलते हैं वीडियो में आके। तो चलो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने 7th नंबर के टूल की, और इसका नाम है यार ब्रूस अनयूजल टाइपिंग टूल। काफी अनयूजल सा नाम है, और यार इसके अंदर मिलते हैं तुम्हें बहुत सारे लेसन, और उन लेसन के हैं बहुत सारे लेवल। तो तुम अपने लेवल के हिसाब से कोई भी लर्निंग यहाँ पे कर सकते हो और अपनी जो टाइपिंग है उसको काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। काफी ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए तुम्हें कंटेंट मिलता है, तो उसको तुम यूज कर सकते हो अपनी टाइपिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर तुम्हें गेम्स के रिलेटेड लर्निंग मिलती है, तो तुम चाहो तो गेम खेल खेल के अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो। इस तरह के फीचर काफी यूजफुल होते हैं और काफी ज्यादा उनसे मन लगा रहता है, तो ये चीज भी यहाँ पे है। एक और चीज जो मुझे इसकी सबसे ज्यादा पसंद आती है वो ये कि इसके अंदर जो कस्टम टेक्स्ट है वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तुम्हारे पास में कोई भी टेक्स्ट हो उसको तुम टाइप करके प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो तुम यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हो। काफी लाइट वेट, इजी टू यूज, नेविगेट करना आसान, सारी चीजें इसके अंदर हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके कॉन्स के बारे में। सबसे बड़ा कॉन ये है कि इसके अंदर जो लर्निंग इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट नहीं है, तो तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत होगी अगर तुम बिगिनर हो इसको समझने में। और इसका बोरिंग सा इंटरफेस है और फुल स्क्रीन ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। तो चलो यार अब देख लेते हैं अपने 6th नंबर के टूल को, और इसका नाम है यार TPPP10। और यार ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है अगर तुम्हारे को अपनी एग्जिस्टिंग टाइपिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत ही सारे लेसन्स तुम्हें दिए हुए हैं, कस्टम लेसन्स भी सपोर्ट करता है। और जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे इनकी लगती है वो ये कि यहाँ पे जो एनालाइज ये करके देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल होता है, तो वहाँ से तुम काफ़ी सारी चीज़ें फिगर आउट कर सकते हो। तुम यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हो, सारे लेसन्स का ओवरव्यू देख सकते हो, अपने सारे लेसन्स की प्रोग्रेस देख सकते हो, यहाँ पे उनका कैरेक्टर देख सकते हो, और जो सबसे बढ़िया चीज है यहाँ पे तुम फिंगर बाय फिंगर मिस्टेक्स देख सकते हो। तो तुम्हें जिस फिंगर से जौन सी मिस्टेक ज्यादा होती है तो उसको तुम बाद में अपना इंप्रूव भी कर सकते हो। कंपैरिजन टेबल भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो इस तरह की जो चीजें हैं इसको बहुत ही ज्यादा एडवांस टूल बनाती हैं, और इससे तुम अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हो। काफी लाइट वेट और बहुत ही अच्छा सा ये सॉफ्टवेयर है। अगर थोड़े से इसके कॉन्स की बात करूं तो जो इसका UI है वो बड़ा एवरेज सा लगता है। लर्निंग के लिए इन्होंने इंस्ट्रक्शन ज्यादा दिए नहीं हुए हैं, तो तुम बिगनर हो तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कोई गेमिंग रिलेटेड कोई भी नौटंकी यहाँ पे इस तरह की अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हें थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है। तो यार अपना 5th नंबर का टूल है क्लेवरो टच टाइपिंग। पता नहीं यार मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन सही किया या नहीं किया, बट उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहला जो इसका बढ़िया चीज़ मुझे लगी, इंस्ट्रक्शन बड़ी क्लियर दी हुई है, तो तुम अगर एकदम बिगनर हो तो यहाँ पे तुम बड़े आराम से पढ़ पढ़ के एक एक चीज़ समझ सकते हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके अलावा जब तुम सीखना चाहो तो यहाँ पे बेसिक्स ट्यूटोरियल कंप्लीट कर सकते हो, जिसकी मदद से तुम्हें आइडिया आ जाएगा। फिर बाद में तुम चाहो तो रैंडम कीज के साथ में खेल सकते हो, रैंडम वर्ड्स के साथ में खेल सकते हो। इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। लेसन उन्होंने काफी क्वालिटी के दिए हुए हैं, तो कोई बिल्कुल बिगनर भी होगा तो उसको बड़े आराम से समझ में आने वाला है। काफी सारा रॉ टेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है जिसकी मदद से तुम आराम से उसको टाइप करके अपनी स्किल्स को और इंप्रूव कर सकते हो। थोड़े से अगर कॉन्स की बात की जाए तो अगेन यहाँ पर भी तुम किसी तरह का गेमिंग सपोर्ट नहीं है, किसी तरह का तुम अपना कस्टम टेक्स्ट यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते, और थोड़ा सा यार ये जब चलता है तो वायरस की तरह लगता है, क्योंकि इसमें कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है स्क्रीन पे, तो बड़ा अजीब सा लगता है। बट ऐसा कोई इशू नहीं है, ओवरऑल सॉफ्टवेयर बढ़िया है, मैंने यूज़ किया हुआ है, कोई वायरस वगैरह का इशू नहीं है। UI का इशू है, वो मे बी फ्यूचर में इंप्रूव हो जाएगा। तो यार हमारा 4th नंबर का सॉफ्टवेयर मिलेगा तुम्हें विंडोज स्टोर पे, तो हाँ यार इसके लिए एटलीस्ट तुम्हें विंडोज 10 जरूर चाहिए। अब मैं बात करूँ अगर इस सॉफ्टवेयर की, तो यार ये जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी ज़्यादा डीप लर्निंग के लिए बना है। यहाँ पे जो इन्होंने लेसन दे रखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज के साथ में है, वहाँ पे तुम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। इवन अगर तुम बिगनर हो तब भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। इनकी जो UI है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव है। एक बार जब तुम यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट कर लेते हो तो तुम यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है, तुम्हें लगता है तुम्हें कुछ आ गया है, तो उसके बाद में तुम यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी दे सकते हो। यहाँ पर तुम्हें गेमिंग बेस्ड लर्निंग का सपोर्ट भी मिलता है, तो वो भी तुम यहाँ पे बड़े आराम से ट्राई कर सकते हो। एक जो खास चीज़ है, यहाँ पे तुम न्यूमेरिक टाइपिंग भी ट्राई कर सकते हो। बच्चों के लिए इन्होंने स्पेशल ऑप्शन दे रखे हैं, अगर तुम यहाँ पे बच्चों को सिखाना चाहते हो टाइपिंग, तो वो भी तुम यहाँ पे बड़े आराम से अचीव कर सकते हो। थोड़े से अगर कॉन की बात करें तो सबसे बुरा जो मुझे लगता है यार इसका, ये ब्लू बैकग्राउंड बहुत ही इरिटेटिंग है, मुझे नहीं
मालूम क्या नौटंकी है ये, और इसके अंदर भी किसी तरह का कस्टम टैक्स का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाला। तो यार अब आ गए हैं अपनी लिस्ट में थर्ड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे तुम्हें मिल जाएगा कीबलेस टाइपिंग ट्यूटर, और इसके अंदर मिल जाएंगे तुम्हें काफ़ी सारे लेसन्स, तो तुम अपनी प्रैक्टिस को बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हो। काफ़ी सारा रॉ टेक्स्ट और पैराग्राफ भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो तुम उसको भी बड़े आराम से ट्राई कर सकते हो। कस्टम टेक्स्ट का सपोर्ट भी है यहाँ पे, तुम्हारे पास में कोई भी टेक्स्ट है उसको तुम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो और अपनी सारी जो टाइपिंग है उसके ऊपर कर सकते हो। एक जो इसके अंदर बड़ा यूनिक सा फीचर है, डेट इज ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब होता है बेसिकली ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तो कोई ऑडियो क्लिप सुन के हम उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उस तरह की टाइपिंग में अगर तुम्हें इंटरेस्टेड हो वो भी तुम यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पर गेम्स बेस्ड लर्निंग भी मिल जाएगी, तो बहुत सारी गेम इन्होंने दे रखी हैं, काफी कूल हैं वो, उनको यूज करते हो भी तुम यहाँ पे जो अपनी टाइपिंग है उसको इंप्रूव कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। अगर मैं इसके थोड़े कॉन्स की बात करूँ तो थोड़ा इसका जो यूआई है वो थोड़ा और बेटर हो सकता था, और अगर तुम बिगनर हो तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो इतने अच्छे दिए हो नहीं है, तो तुम अगर यहाँ पे लर्न करना चाह रहे हो तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत तुम्हें जरूर आ सकती है, जिसको तुम कंसिडर कर लेना। तो चलो यार अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड नंबर के सॉफ्टवेयर की, और इसका नाम है यार टाइपिंग ट्रेनर। और यार मैं सबसे पहले बात करूंगा इसकी यूआई की, तो यार ये बड़ा कूल दिखता है और काफ़ी अच्छा इसका मॉडर्न सा लुक है। और अगर बात की जाए इसके फीचर्स की, तो यार ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जिन लोगों को पहले से आइडिया है टाइपिंग वगैरह का, बस वो अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो बेसिकली ये ट्रेनर है तो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे अगर तुम नूब हो तो तुम्हें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि यहाँ पे तुम अपना जो अभी का लेवल है उसको तुम एनालाइज कर सकते हो, फिर उसके हिसाब से अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हो। इसके अलावा तुम यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट लेसन भी हैं, उनको भी तुम ले सकते हो, उससे भी तुम्हारी जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी। यहाँ पर गेम बेस्ड लर्निंग का भी सपोर्ट है, तो तुम गेम खेल खेल के अगर लर्न करना चाहते हो वो चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल है। इसके अलावा तुम अपने कंप्यूटर में बहुत सारी टाइपिंग करते हो और उसको तुम एनालाइज करना चाहते हो, तो वो भी चीज़ तुम इसकी हेल्प से कर सकते हो, बड़े आराम से हो जाता है। अगर मैं बात करूँ उसके कॉन्स की, तो सबसे पहला कॉन यही है कि यार ये ट्रेनर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इसलिए नूब्स को ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन उतनी अच्छी नहीं दी गई है, और ना यहाँ पे किसी तरह का कस्टम टेक्स्ट का सपोर्ट है, ना किसी ऑडियो फाइल का सपोर्ट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। तो चलो यार अब आ जाओ अपने लास्ट और सबसे बेस्ट टाइपिंग टूल की तरफ, और इसका नाम है यार रैपिड टाइपिंग। और सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके इंटरफेस की, तो बहुत ही ऑसम सा कूल सा इंटरफेस है, काफ़ी कलरफुल सा इंटरफेस है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को इसको देख के। इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसके अंदर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शन पिक्चर के साथ में तुम्हें दी हुई है, तो बिल्कुल अगर तुम बिगनर हो और तुम्हें स्टार्ट करना है अपना टाइपिंग कोर्स, तो मैं रिकमेंड करूंगा इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, बहुत ही बढ़िया से काम करता है। काफ़ी सारे इसके अंदर लेसन्स दिए गए हैं और हर लेसन का अपना अपना स्किल लेवल है, तो वो सारी चीज़ें तुम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा ये टीचर्स के लिए भी काफ़ी बढ़िया है, अगर तुम किसी तरह का इंस्टीट्यूट चलाते हो, वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उन सबको तुम यहाँ पे एक ही के अंदर ऐड कर सकते हो, उनको ग्रुप कर सकते हो, तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर बड़े आराम से हो जाती हैं। अगर तुम अपने कस्टम कोर्स क्रिएट करना चाहते हो तो ये सारे ऑप्शन भी इसके अंदर बड़े बढ़िया से हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर है, काफ़ी एडवांस है। अपने डाटा वगैरह को तुम एनालाइज करना है तुम, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। अगर थोड़े से इसके ड्रॉबैक्स की बात की जाए, तो अगेन इसके अंदर किसी तरह का कस्टम टेक्स्ट सपोर्ट नहीं है, कोई गेम्स का सपोर्ट नहीं है, ऑडियो ट्रांसक्राइब का सपोर्ट नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ टाइपिंग के लिए चाहिए, तो ये बहुत ही बढ़िया तुम्हें नूब से प्रो बनाने वाला सॉफ्टवेयर है। वैसे तो दोस्तों मैंने इधर ऑलमोस्ट सभी तरह के फ्री टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर लिया है, पर कुछ टाइपिंग टूल्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट लाइव आपके ब्राउजर में चलते हैं, तो ऐसे टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसको तुम चेकआउट कर लेना। इसके अलावा तुम्हारे पास में कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी है, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या नीचे कमेंट कर देना, मैं सारे रिप्लाई हमेशा ही करता हूँ। और यार अभी तक तुमने नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब, तो क्या कर रहे हो यार, मतलब सच में क्या कर रहे हो तुम, जल्दी से कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे दो लाइक। मैं मिलता हूँ तुमसे जल्दी दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।